सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है आपका, ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों ईयर के लिए है, प्लस सभी ट्रेड के लिए है, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग यही कमेंट करते हैं, पहले वीडियो नहीं देखते, जबकि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो मैं ये ड्राइंग आप लोग करवा रहा हूँ कितने क्वेश्चन का, 20 क्वेश्चन का यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये 20 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए है और ऑल इंजीनियरिंग ट्रेड मतलब सभी ट्रेड के लिए, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये क्लियर हो गया होगा, 10 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था और 10 क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे और ड्राइंग हमारी ये कंप्लीट हो जाएगा जो 20 क्वेश्चन हम लोग चला रहे थे, ठीक है। इसका जो है आप लोग पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो उसके लिए ये वेबसाइट है आपका www.globalit.org, इसको आप हिंदी में भी डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना है मैं स्टेप आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि कई लोग ये भी पूछते हैं सर कैसे डाउनलोड होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, आपको अपने फ़ोन में ओपन करना है globalit.org। क्या ओपन करना है, globalit.org, कुछ इस टाइप से आपके फ़ोन में ओपन होगा, अगर फ़ोन होगा, ठीक है। मोबाइल में राइट साइड कॉर्नर में ऐसे तीन लाइनें दिखेंगी, इन लाइनों पे आपको क्लिक करना होगा। जब क्लिक करेंगे तब आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा, होम, हमारे बारे में, नई अपडेट, कोर्स से सर, ठीक है। आपको नई अपडेट पे क्लिक करना है, इसमें देख रहे हैं पहला ऑप्शन है NCVT अपडेट, SCVT, तीसरा रहेगा मॉडल पेपर। आपको कहाँ क्लिक करना है, मॉडल पेपर पे, मॉडल पेपर पे क्लिक करेंगे नया टाइप खुलेगा आपका इस टाइप से, नीचे को स्लाइड करना आप, पहला ही मिलेगा ITI मॉडल पेपर 2022 ITI CVT एग्जाम, ठीक है। यहाँ पे नीचे ऑप्शन होगा रीड मोर का, आप रीड मोर पे क्लिक कर लेना, इस पर क्लिक करेंगे फिर इस टाइप से पूरा ओपन हो जाएगा। और इसमें देख रहे हैं यहाँ नीचे आएंगे देखिए न्यू नीमी इंजीनियरिंग ड्राइंग MCQ PDF डाउनलोड, और इसी के जस्ट नीचे है न्यू नीमी इंजीनियरिंग ड्राइंग MCQ PDF इन हिंदी, मतलब जिसको सिर्फ इंग्लिश में चाहिए वो ऊपर वाले पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकता है, जिसको इंग्लिश हिंदी दोनों में चाहिए वो इस नीचे वाले लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। तो दोनों यहाँ पर है इंग्लिश में और प्लस नीचे वाले में क्या है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। मैंने आपको बता दिया कि डाउनलोड कैसे करना है, कई लोग ये भी चीज़ पूछ रहे थे, तो इस वीडियो को ठीक से देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आसानी से क्लिक करके आप PDF को डाउनलोड कर पाओगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। 11th वाला से 10th तक हमारा हो रखा है, जिन्होंने नहीं देखा है आप जो है यूट्यूब पर जाकर के वीडियो वाले सेक्शन में जाकर के इसका पार्ट वन देख सकते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से होगा, नीमी इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से पार्ट वन होगा या और आपका पार्ट टू है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, प्रतीक को पहचाने, और प्रतीक को पहचाने सिंबल यहाँ पर दे रखा है, पूछ रहा है कि यह किसका प्रतीक है। तो ये जो लोग मतलब आप लोग साइंस वगैरह ज़्यादा तो लोगों ने सब लोगों ने पढ़ रखा होगा, तो इसे देख करके आप पहचान रहे होंगे कि किस चीज़ का सिंबल है, इसको कहते क्या है। यह प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, है ना, उसी का जो है ये सिंबल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ओम है, तो इसका मतलब कौन सा मीटर होगा, ओम मीटर होगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी है आपका ओम मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर कब होता, तो इसमें बहुत ही आसान है, वो भी ऐसे ही बनता इस टाइप से ऐसे, और अगर अंदर क्या लिख देता, वी लिख देता और ऐसे कर देता तो वोल्ट मीटर हो जाता। क्या हो जाता, वोल्ट मीटर हो जाता। अगर सिर्फ वो ऐसे ही बनाना है, बस इस सिंबल की जगह क्या यहाँ पे आ जाता, यहाँ पे वी लिखा हुआ आ जाता तो वोल्ट मीटर हो जाता। इसमें भी अगर नीचे एक लाइन खींची होती सीधी, एक चीज ध्यान देना है आपको, AC और DC दो चीजें, अगर कहीं पर सीधी लाइन खींची हुई है तो इसको DC बोलते हैं, और कहीं पर इस तरफ से कर्व बना हुआ है तो इसको AC बोलते हैं। DC डायरेक्ट करेंट, AC अल्टरनेटिव करेंट, AC जो हमारे घरों में बिजली आती है और जो बैटरी से मिलता है वो DC होता है, ठीक है। तो AC और DC दो चीजें होती है, तो अगर वोल्ट मीटर के नीचे सीधी लाइन खींची हुई है तो आप कहोगे कि ये वोल्ट मीटर, लेकिन कौन सा, DC वोल्ट मीटर। और यहीं पर क्या हो कि आपका ऐसे बना हुआ हो, वी लिखा हुआ हो, तो ये वोल्ट मीटर हो गया, और ऐसे सिंबल हो तो AC वोल्ट मीटर हो जाएगा। DC वोल्ट मीटर, AC वोल्ट मीटर, सिर्फ वी लिखा हुआ है, सिंबल नहीं है, तो आप वोल्ट मीटर भी कह सकते हो, ठीक है। और वहीं पर अगर अमीटर की बात करें, ये भी बिल्कुल ऐसे सिंबल बनेगा, बस बीच में क्या हो जाएगा, ए लिख देगा, तो अमीटर हो गया, ठीक है। ए लिख दिया अमीटर, इसमें भी वही सीधी लाइन खींच दी आपने, DC अमीटर, और वही अगर आपने इस टाइप से बना करके ऐसे सिंबल बना दिया AC वाला, तो AC अमीटर। बहुत ही आसान है सिंबल याद रखना, ठीक है, जो नाम लिख दे रहा वैसे ही हो जा रहा आपका। अगला है आपका वाट मीटर, तो इसमें क्या होगा, वाट मीटर है तो W लिखा होगा, ऐसे है तो वाट मीटर। तो ये सभी के आपके जितने भी ऑप्शन थे मैंने सबका सिंबल बता दिया, और यहाँ पे जो देखा था वह ओम का है, तो इसलिए वह ओम मीटर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है आपका NPN ट्रांजिशन कौन सा है, देखिए NPN, ठीक है। तो हमें एक चीज ध्यान रखना है, जो ऊपर वाला दोनों है ना, ये दोनों ही मतलब इन्हीं दोनों में आपको पहचानना पड़ेगा, NPN ट्रांजिशन होता है और PNP होता है। देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, NPN होता है और PNP होता है, ठीक है।
तो हमें एक चीज पर ध्यान रखना है कि हमेशा जो ये एरो बनेगा ना, ये बेस और एमीटर, बी ई सी दिखाया गया ना, सी से कलेक्टर हो गया, बी से बेस हो गया, ई से एमीटर हो गया, तो बेस कलेक्टर एमीटर होता है, एमीटर होता है, और बेस और एमीटर के बीच में ही हमारा ये एरो वाला रहता है, ठीक है। तो एरो के हिसाब से हम पहचानते हैं कि ये एनपीएन है या पीएनपी है। देखिए इसमें एरो बाहर की तरफ है, मतलब बेस से एमीटर की तरफ जा रहा है, और इस वाले में एमीटर से बेस की तरफ जा रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना होता है, याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, जैसे एनपीएन लिखा हुआ ना, तो हमेशा जो एरो होगा पी से एन की तरफ जाना चाहिए, एरो हमेशा किधर से किधर जाना चाहिए, पी से एन की ओर जाना चाहिए। जैसे अगर इस वाले में मैं इसको क्या लिखना चाहूँ, पी एन पी, तो इसमें देखिए एरो इधर से इधर जा रहा, किधर, यहाँ एन हो गया, यहाँ पी हो गया, एरो एन से पी की तरफ जा रहा है, जबकि मैंने क्या बोला, एरो हमेशा पी से एन की तरफ जाना चाहिए। इसका मतलब यह पी एन पी नहीं हो सकता, पीएनपी वाले पे सेट नहीं हो रहा है ना, एरो किधर जा रहा है, एन से पी की तरफ जा रहा है, जबकि एरो किधर जाना चाहिए, पी से एन की तरफ जाना चाहिए। इसका मतलब यह पीएनपी नहीं हो सकता, तब क्या हो सकता है, एनपीएन पूछा था ना, एन पी एन हम लोग ऐसे लिख लेते हैं सभी पॉइंटों पे, ठीक है, तीन पॉइंट होता है। तो देखिए एन पी एन, ये जो एरो है पी से एन की तरफ है ना, एरो क्या है पी तरफ से चल रहा है, एन की तरफ इशारा कर रहा है, तो पी से एन की तरफ जा रहा है, मैंने बताया पी से एन की तरफ जाना भी चाहिए। इसका मतलब जो पहला है वह एनपीएन ट्रांजिशन, ठीक है, कौन सा है, एनपीएन ट्रांजिशन है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, एनपीएन वाला पहला है। दूसरे वाले में देखिए, अगर हम इसको भी एनपीएन लिखना चाहें, एनपीएन देखिए इसमें एरो किधर से जा रहा है, एन से पी की तरफ जाने लगा, जबकि एरो किधर जाना चाहिए, हमेशा पी से एन की तरफ जाना चाहिए, ठीक है, हमेशा किधर से पी से एन की तरफ जाना चाहिए, तो ये गड़बड़ हो रहा है, चेंज कर लेते हैं। अब यहां पे लिखते हैं एनपीएन की जगह पीएनपी लिख लेते हैं, पीएनपी। अब इसमें देखिए जो एरो है पी से एन की तरफ जा रहा है, बेस और एमीटर के बीच होता है, पी से एन की तरफ जा रहा है, और ऐसा होना भी चाहिए। इसका मतलब जो यह वाला सिंबल है यह पीएनपी ट्रांजिशन का है, किसका है, पीएनपी ट्रांजिशन का है। तो इस तरह से आप आसानी से पहचान सकते हैं। और ये जो इसके नीचे है बी वाला हो गया, या सी वाला जो यहाँ पे फिगर बना रखा है इन्होंने, तो ये इसमें एरो देख रहे हैं जी डी एस करके लिखा हुआ, जी का एरो अंदर की तरफ है और इसमें जी का एरो बाहर की तरफ है, तो ये फेट होता है, फेट एन चैनल होता है और पी चैनल होता है, ठीक है। तो यह जो होगा आपका जिसमें एरो अंदर की तरफ है, इसको बोलते हैं फेट एन चैनल, क्या बोलते हैं, फेट एन चैनल। और इस वाले में जिसका एरो बाहर की तरफ है जी वाला, इसको भी इसको बोला जाता है फेट पी चैनल, पी चैनल। तो दोनों में से ये डिफरेंस, इसमें एरो अंदर है, जब एरो अंदर रहेगा तो फेट वाला एन चैनल कहलाएगा, जब एरो बाहर रहेगा तो फेट का पी चैनल कहलाएगा। तो ये सब सिंबल हो गया, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका यूएसबी मेल कनेक्टर कौन सा है। यूएसबी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, आजकल भाई पेन ड्राइव आती है वो भी यूएसबी वाली आती है, ठीक है, आपका डाटा केबल है उसमें भी एक साइड क्या होता है सी टाइप दिया होता है जो आप मोबाइल में लगाते हो, और दूसरी साइड जो होता है आपका यूएसबी दिया होता है जो आप डायरेक्ट कार वगैरह में भी लगाते हो या चार्जर में लगाते हो, अपने लैपटॉप में लगाते हो, तो क्या यूएसबी होता है, ठीक है, तो यूएसबी होता है और एक साइड सी टाइप होता है। तो ये पूछा कि यूएसबी मेल कनेक्टर कौन सा है, तो यूएसबी मतलब जो चौड़ा वाला होता है और पतला वाला जो होता है सी टाइप होता है, या फिर नॉर्मल वाला भी आप यूज करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो आपके डाटा केबल में होता है, ऐसे ही तो चौड़ा सा होता है, तो वही यूएसबी होता है मेल कनेक्टर, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, यूएसबी मेल कनेक्टर, ठीक है। यहाँ नीचे देख रहे हैं एक और फिगर बना रखा है, यह क्या है, यह भी यूएसबी है, यह क्या है फीमेल कनेक्टर है, जैसे मेल कनेक्टर और फीमेल कनेक्टर, इसको क्या करेंगे, इस यह इसके अंदर जैसे चार्जर होता है ना, तो चार्जर में हमारा यूएसबी केबल लगता है, तो जो चार्जर में यूएसबी केबल लग रहा है तो यह मेल कनेक्टर हो गया, और चार्जर जिसमें वो लग रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, फीमेल कनेक्टर बोलेंगे, यूएसबी का ही फीमेल कनेक्टर बोलेंगे। जैसे यहाँ पर है देखिए यह वाला इसके अंदर चला जाएगा, तो यह क्या है आपका, यह यूएसबी का ही फीमेल कनेक्टर है, यूएसबी का क्या है फीमेल कनेक्टर, जिसमें वो लगेगा, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं या ऑडियो केबल के लिए यूज किया जाता है, आपने ईयरफोन वगैरह में अपने देखा होगा, ऑक्स केबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्स केबल, ठीक है। ये भी कौन सा वाला, मेल वाला है। और जो मोबाइल होता है आपका जिसमें आप इसे लगाते हो, मोबाइल में लगाते हो ना सॉन्ग वगैरह सुनने के लिए, ऑडियो के लिए यूज किया जाता है, जिसमें लगाते हो उसे फीमेल बोलेंगे, ऑक्स हो गया केबल कौन सा मेल वाला, और वो जो मोबाइल जिसमें जिसमें आप लगाओगे जिस पोर्ट में उसे फीमेल बोलोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके, नेक्स्ट चलते हैं। सॉकेट स्पैनर की प्रकार की पहचान कर, देखिए जो सॉकेट स्पैनर है यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये ऐसे इस टाइप से इसमें स्लॉट कटा हुआ, ठीक है, ये रिंग स्पैनर का ही दूसरा रूप है। रिंग स्पैनर में भी ऐसे स्लॉट कटे होते हैं, वह स्लॉट कितने कटे होते हैं, तो यह 12 कटे होते हैं, कितने कटे होते हैं, 12 नंबर होते हैं। अगर आप
आपके पास रिंग स्पैनर हो, अगर किसी के पास जो गोल वाला स्पैनर होता है उसमें जो स्लॉट कटा होता है, अगर उसे उसे आप लेकर के काउंट करोगे उस रिंच को ना, उस स्पैनर को, तो उसमें जो स्लॉट है आपको 12 मिलेंगे। एक बार अगर किसी के पास हो तो काउंट कर लेना, तो उससे फायदा होता है कि चीजें याद रहती है। जब आप सामने एक बार काउंट कर लोगे तो याद रहेगा। तो कितने स्लॉट कटे होते हैं? 12 स्लॉट कटे होते हैं, इसलिए इसे 12 पॉइंट वाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 12 पॉइंट वाला। तो यहाँ देखिए 12 पॉइंट वाला, तो दो ऑप्शन अब आ गया, 12 पॉइंट डीप और 12 पॉइंट स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या होता है? जब ये नॉर्मल साइज का होता है, या डीप मतलब गहराई, देख रहे बहुत लंबा है, मतलब गहराई में जाकर भी और बोल्ट वगैरह को हमारा जो नट है बोल्ट है उसको खोल सकता है या टाइट कर सकता है, तो गहराई में जाकर के काम कर सकता है, इसीलिए कहूं 12 पॉइंट डीप वाला होगा, क्योंकि ये लंबा काफी गहराई में बनाया गया है। ठीक है, तो यह ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 12 पॉइंट होता है इसमें और डीप वाला है। ठीक है, और अगर ये नॉर्मल साइज का होता है ऐसे तो वह क्या होता है? 12 पॉइंट स्टैंडर्ड होता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका सिंगल फेज एसी मोटर सिंबल कौन सा है? विच इज द सिंबल, सॉरी, विच इज द सिंगल फेज एसी मोटर सिंबल, मतलब एसी मोटर का सिंबल चाहिए, वो भी कौन सा वाला? सिंगल फेज वाला। तो जिसमें एक वायर होगा वो सिंगल फेज, जिसमें तीन वायर होगा वो थ्री फेज, जानते हैं ना भाई, तीन वायर जाएगा, देखिए इसमें देखिए एक दो तीन, तीन वायर जा रहा है इनपुट और तीन वायर आउटपुट भी निकल रहा है, तो तीन वायर है मतलब ये थ्री फेज होगा, और इन सब में देखिए एक एक वायर है, जब एक ही वायर जा रहा है और एक ही वायर बाहर आ रहा है तो सिंगल फेज होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए जैसे ये जी दिखा रखा है, यहाँ पे जी से, तो यह क्या होगा आपका? डीसी जनरेटर, सॉरी, जी से जनरेटर होगा, जिसे क्या होगा? जनरेटर होगा, मतलब ये किसका सिंबल है? जनरेटर का सिंबल है। यहाँ एम दिखा रखा है, यह किसका सिंबल है? प्लस माइनस वाला है। प्लस माइनस किस में होता है? डीसी में होता है भाई। कभी भी आप एसी वाला, मतलब जो बिजली हमारे घरों में आती है एसी वाली आती है ना, तो उसमें तो हम नहीं देखते हैं ना कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस, कोई सा भी वायर किधर भी कर दो, लेकिन जब भी बैटरी की बात आती है, बैटरी मतलब डीसी, तब हम उसमें देखते हैं कौन सा वाला प्लस है कौन सा वाला माइनस है। तो वही चीज यहाँ पे देखिए, प्लस माइनस लिखा है, इसका मतलब एम से क्या है? जब गोला बना करके जी लिखेंगे तो जी से जनरेटर, गोला बना करके एम लिखेंगे तो एम से मोटर, लेकिन कौन सा मोटर? यहां पे चूंकि प्लस माइनस, इसका मतलब डीसी मोटर है। ठीक है, और यहां पर देखिए, यहां पर एम है और नीचे कौन सा सिंबल बनाया है? ए वाला, मैंने बताया था किसका? एसी का सिंबल होता है, मतलब यह भी मोटर है। देख रहे हैं यहाँ पे एक ही वायर है, तो आप बोलेंगे सिंगल फेज डीसी मोटर, यहाँ पर भी एक ही वायर है तो यह आपका सिंगल फेज हो जाएगा, क्योंकि एक ही वायर दिख रहा है हमें, तो सिंगल फेज हो जाएगा, और M लिखा है मोटर हो जाएगा, AC का सिंबल है तो AC मोटर हो जाएगा। बहुत आसान है, पूरा फिगर देख के पहचान लेंगे। इसमें भी वही चीज है, थ्री वायर है तो मतलब थ्री फेज हो गया, थ्री फेज। ठीक है, M से मोटर, मतलब ये हमारा थ्री फेज मोटर है। आई बात समझ में? ऐसे ही हमारा इसमें भी आता है डीसी वाला एसी वाला, वैसे ही जनरेटर में भी नॉर्मल हो गया, और अगर जी लिख करके ऐसे बना देता नीचे सिंबल तो क्या हो जाता है? एसी जनरेटर हो जाता, नॉर्मल तो डीसी जनरेटर हो जाएगा। तो इस तरह से आप सिंबल को पहचान सकते हैं। यहाँ पर सिंगल फेज एसी मोटर पूछा था, सिंगल फेज एसी मोटर, ऑप्शन वाला सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका उपकरण की पहचान करें, आइडेंटिफाई द टूल, स्क्रैपर नाइफ, रोलर ब्रश, स्प्रे गन, डीएफटी गेज। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या चीज है। तो ये देख रहे हैं, ऐसा दिख रहा है आपको, देखने में लग रहा होगा ये खुरचने वाली कोई चीज लग रही है ना, क्या है? खुरचने वाले, और खुरचने को क्या बोलते हैं? स्क्रैपर बोलते हैं। जो खुरचने वाला टूल यूज होता है खुरचने के लिए, उसको स्क्रैपर बोला जाता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्क्रैपर नाइफ। रोलर ब्रश, ये पीछे आपके क्वेश्चन आया था, रोलर ब्रश होता तो रोलर बना होता ना, ऐसे थोड़ा रहता नुकीली था, वो कैसा होता? रोलर जैसा होता, पेंटिंग में यूज होता है। स्प्रे गन, यह भी पेंटिंग में होता, हुआ गन जैसा बना होता, स्प्रे के द्वारा जो पेंटिंग की जाती है तो स्प्रे गन कहलाता है। और आपका डीएफटी गेज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? पहला सही हो जाएगा, स्क्रैपर नाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दिए गए ए ग्रेड के फास्टनर के लिए सामग्री क्या है? ये दे रखा है कि ए ग्रेड का फास्टनर, फास्टनर का मतलब बांधने वाला, मतलब एक तरह से क्या है? नट का सिंबल दे रखा है भाई, बांधने वाला, किसी भी चीज को, पार्ट को पकड़ने के लिए हम नट की मदद से उसे टाइट करके पकड़ते हैं, तो ये सिंबल दे रखा है। कहते हैं सामग्री क्या है, मतलब किस मटेरियल का बना होगा? तो जब इस टाइप से सिंबल बना होता है, मतलब नट बोल्ट का, और एक लाइन ऊपर खींची गई हो, तो यह कार्बन स्टील का मटेरियल का, किस मटेरियल का बना होता है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कार्बन स्टील। मीडियम कार्बन स्टील कब होता? जब यहाँ पर ये लाइन नहीं होती, यहाँ पर ये लाइन नहीं होती, नॉर्मल बस ऐसे फिगर बना होता, और यहाँ पे क्या लिखा होता है? ऐसे दो लिखा होता। अगर इस टाइप का सिंबल रहता तब वो क्या हो जाता? मीडियम कार्बन स्टील हो जाता, तब ये क्या हो जाता? मीडियम कार्बन स्टील हो जाता। हरी बात समझ में ना, जब नॉर्मल एक लाइन खींची हुई थी तो कार्बन स्टील, अगर वो लाइन नहीं होती, फिगर बनकर ऐसे दो लिखा रहता, तब क्या हो जाता? मीडियम कार्बन स्टील।
उसके बाद यह सी वाला जो है मीडियम कार्बन स्टील क्वेंच्ड, ये वाला यूज नहीं होता है, डी वाला होता है मीडियम कार्बन स्टील क्वेंच्ड एंड टेम्पर्ड। यह कब होता, जब यहां पे दो के आगे एच लिख दिया जाता। अरे बात समझ में, यही सिंबल होता, ऐसे बना हुआ है, एक लाइन खींची हुई है कार्बन स्टील, यह लाइन नहीं खींची हुई है, इस लाइन को भूल जाइए, यह लाइन नहीं खींची हुई है। एक मिनट, यहां पे व्हाइट कर देता हूं, यह वाली लाइन नहीं खींची हुई है ना, इस लाइन को भूल जाइए आप लोग, यह लाइन है ही नहीं, ऐसे सिंबल बना हुआ है नॉर्मल। और क्या है हमारा, यहां पे लिख दिया है क्या टू, ऐसे लिख दिया, तो इसका मतलब यह क्या हो गया, मीडियम कार्बन स्टील हो गया। क्या हो गया, मीडियम कार्बन स्टील हो गया। लेकिन यहीं पे क्या करे, टू के आगे यह लिख दे एच, ऐसे ले सिंबल लिख दे, जब 2H लिख देगा तो हो जाएगा मीडियम कार्बन स्टील क्वेंच्ड एंड टेम्पर्ड। क्वेंच का मतलब पानी में ठंडा करना होता है, ठीक है, क्वेंचिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को पानी में डूबो कर ठंडा जब करते हैं तो उसी को क्वेंच्ड बोलते हैं। 2H तब यह क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, या फिर 2HM भी लिखेगा तब भी कौन सा सही होगा, डी वाला ही सही होगा। और ये बात समझ में, या फिर क्या करे, यहाँ पे ऐसे लिख करके नॉर्मल यहाँ पे 4 लिख दे, तब भी कौन सा होगा, लास्ट वाला होगा मीडियम कार्बन स्टील क्वेंच्ड एंड टेम्पर्ड, उसका ही सिंबल ऐसे दिखाया जाए। या फिर 4 की जगह 7 लिख दे तब भी यही होगा, 7M लिख दे तब भी यही होगा। मतलब डी वाले के लिए कई सारे ऑप्शन है, 2H दिखा सकता है, 2H 2HM, या फिर बीच में 4 लिख दे, 7 लिख दे, 7M लिख दे, यह सब ऑप्शन डी वाले के लिए होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है परिवर्ती प्रतिरोधक का प्रतीक कौन सा, परिवर्ती प्रतिरोधक मतलब सिंबल ऑफ वेरिएबल रजिस्टर। देखिए रजिस्टर होता है जो रेजिस्टेंस हम यूज करते हैं और उसको क्या कहते हैं, करंट की वैल्यू को कम ज्यादा करने के लिए, ठीक है। तो वेरिएबल होता है और फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड मतलब उसके मान को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, वह जितना करंट दे रहा है उतना ही देता रहेगा। और वेरिएबल में क्या है कि हम आवश्यकता अनुसार उसको कम कर सकते हैं, मतलब जितनी भी आ रही है वोल्टेज, जो भी करंट आ रहा है, ज्यादा नहीं कर सकते, मतलब उसको कम किया जा सकता है, मतलब उसे एडजस्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे पूछा था वेरिएबल वाला, देखिए जब नॉर्मल ऐसा सिंबल बना होता है तो यह होता है फिक्स्ड रजिस्टर। किसका सिंबल है यह, फिक्स्ड रजिस्टर का, ऐसे भी बनाया जाता है कहीं कहीं पर, ऐसे ऐसे भी बनाया जाता है, ठीक है। तो यह फिक्स्ड रजिस्टर होता है जो ऑप्शन सी में है, क्या होता है यह हमारा, फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड रजिस्टर, ठीक है। ऑप्शन बी वाले में जो है, जब एरो लगा देंगे इसी पे, एक एरो खींच देंगे तो मतलब इसे हम इधर उधर बदल सकते हैं, ये हो जाता है आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वेरिएबल रजिस्टर। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जो ऑप्शन ए दे रखा है कैपेसिटर का, लेकिन कोई एरो नहीं लगा है तो फिक्स्ड कैपेसिटर, क्या है हमारा, फिक्स्ड कैपेसिटर। और इसी पे जब एरो लगा देंगे एक, तो यह हो जाएगा वेरिएबल कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर। तो बहुत आसान है सिंबल याद करना, बस थोड़ा सा एक बार आप ध्यान से देख लेंगे तो याद रहेगा, भूलेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है आपका स्नैप हेड रिवेट का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व कौन सा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्नैप हेड रिवेट, ठीक है। तो स्नैप हेड रिवेट में क्या होता है, जो आपको पहला वाला फिगर दिख रहा है ना स्नैप हेड, इसमें भी एक होता है शॉप वाला और एक होता है साइट वाला, मतलब जो साइट पर यूज कर रहे हैं उसके लिए सिंबल अलग होता है, और जो शॉप में खरीदने जाते हैं उसके लिए जो यूज करते हैं वो अलग होता है। तो साइट वाला और शॉप वाला होता है, तो देखिए ये शॉप वाला, यह जो है साइट वाला है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, स्नैप हेडेड डेरिवेट का प्रतीकात्मक मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्नैप हेड डेरिवेट, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्नैप हेड डेरिवेट का है। जो ये बी वाला, यह भी स्नैप हेड डेरिवेट का है, लेकिन कौन सा वाला, शॉप वाला, शॉप स्नैप हेड रिवेट, ठीक है। अगर शॉप का पूछता तब ऑप्शन बी सही। जो सी है हमारा, यह थ्रेड के लिए यूज किया जाता है, किसके लिए यूज किया जाता है यह सिंबल, थ्रेड के लिए, लेकिन कौन से थ्रेड के लिए, कि देखिए इसमें क्या बाहर वाला या जो सर्कल वो कंप्लीट नहीं है, अंदर का सर्कल कंप्लीट है, अंदर वाला सर्कल कंप्लीट है और बाहर का सर्कल इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो जब ऐसा केस आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं बाहर का इनकम्प्लीट है, तो ये इंटरनल थ्रेड को दिखाएगा, किसको, इंटरनल थ्रेड का, इंटरनल थ्रेड के सिंबल ऐसे दिखाया जाएगा। अगर वो एक्सटर्नल थ्रेड रहेगा तो इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, उसमें बाहर वाला कंप्लीट रहेगा, बाहर वाला कंप्लीट रहेगा
और जो अंदर वाला है वह इनकम्प्लीट रहेगा। जब ऐसे हो जाए, बाहर वाला कंप्लीट हो सर्कल, अंदर का इनकम्प्लीट हो, तो एक्सटर्नल थ्रेड किसको प्रेजेंट करेगा? एक्सटर्नल थ्रेड को। दोनों मतलब बिल्कुल उल्टा है, जब बाहर का इनकम्प्लीट है तो इंटरनल का दिखा रहा है, जब अंदर का इनकम्प्लीट है तो एक्सटर्नल का दिखा रहा है। अंदर तो बाहर वाला थ्रेड, बाहर तो अंदर वाला थ्रेड, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद यह जो है आपका, यह हमारा काउंटरसंक का होता है, आपका रिवीट का ही है, सॉप रिवीट का है। किसका है? सॉप रिवीट काउंटरसंक, काउंटरसंक फार साइड, दो होता है, एक नियर साइड होता है, एक फार साइड होता है। तो यह फार साइड के लिए है और एक नियर साइड भी होता है। तो ये सिंबल आपके अलग अलग हो गए, कौन सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कोस्ट लाइन, तटरेखा के प्रकार को पहचान। जो तटरेखा होती है नदियों के किनारे जो तटरेखाएं बनती है, मतलब उस हिसाब से है, तो कौन सा वाला है ये पूछ रहा है यहाँ पे, कि इसने सिंबल फिगर में दे रखा है। हालांकि ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था, मुझे भी उतना समझ में नहीं आया, तो आप लोग देख लीजिएगा इसके हिसाब से आंसर याद कर लीजिए, ताकि एग्जाम में आए तो आप सही कर सको, ठीक है। तो किस टाइप का यह है आपका? स्टीप कॉस्ट। किसका है? ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, स्टीप कॉस्ट, ठीक है। तो ये जो आपका ड्राइंग का पीडीएफ का जो क्वेश्चन था, आपका 20 क्वेश्चन थे, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। बाकी मैंने आपको बता दिया था शुरू में ही, जिन्होंने नए शुरू में ध्यान दिया था जाके देख लीजिएगा, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करना है, हिंदी वाला, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको जो भी डाउनलोड करना है आप बिल्कुल आसानी से वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाकी आगे के जो दूसरे चीज़ों के क्वेश्चन होंगे अलग सब्जेक्ट के, उसको करेंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया, थैंक यू।